अक्षय कुमार और प्रभास होंगे आमने सामने, देखने को मिलेगी कड़ी टक्कर। जब से महाराष्ट्र सरकार ने थिएटर्स खोलने का ऐलान किया है, तब से फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर खबरें काफी तेज हो चुकी हैं। सभी फिल्म मेकर्स अब काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, जिससे वो लगातार अपनी अपकमिंग फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर रहे हैं। अब तक ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है और ये सभी फिल्में अब आने वाले दिनों में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं। आने वाले दिनों में रिलीज होने जा रही फिल्मों में से आज हम बात करने वाले हैं दो बड़ी फिल्मों के बारे में, जिसमें एक फिल्म है अक्षय कुमार की रक्षाबंधन, वहीं दूसरी फिल्म है प्रभास की आदि पुरुष। ये दोनों ही फिल्म के एक्टर काफी पॉपुलर हैं। बात करें आदि पुरुष की तो ये एक पैन इंडिया फिल्म होगी जिसे पूरे भारत में रिलीज किया जाएगा, और अक्षय कुमार की बात करें तो अक्षय कुमार की फैन फॉलोइंग भी काफी तगड़ी है और ये दोनों ही फिल्में एक साथ एक ही दिन रिलीज होने जा रही हैं। आपको बता दें तो ये फिल्म अगले साल की 11 अगस्त 2022 को रिलीज की जाएगी। 11 अगस्त को ये दोनों ही एक्टर के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कौन सा एक्टर किसको कैसी टक्कर देता है। बात करें अब इन फिल्मों की तो अक्षय कुमार की रक्षाबंधन एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी, जिसे डायरेक्ट किया है आनंद एल राय ने, और इस फिल्म में अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर, सहजमीन कौर, दीपिका खन्ना, सादिया खतीब और स्मृति श्रीकांतो जैसे कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो ये फिल्म का दर्शकों को काफी इंतजार है, लेकिन अब ये देखना काफी खास होगा कि क्या अक्षय कुमार प्रभास की फिल्म आदि पुरुष को कड़ी टक्कर दे पाएंगे या नहीं। बात करें अब प्रभास की आदि पुरुष फिल्म की तो ये फिल्म एक हिस्टोरिकल फिल्म होगी जो हिंदू एपिक रामायण पर बेस्ड होगी। फिल्म में प्रभास, कृति सैनन, सैफ अली खान और सनी सिंह जैसे दमदार कलाकार देखने को मिलने वाले हैं। ये फिल्म को एक बड़े लार्ज स्केल पर बनाया जा रहा है जिसका बजट 500 करोड़ रुपए है। और आप तो जानते ही होंगे प्रभास की फैन फॉलोइंग, वो पहले भी बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी फिल्में दे चुके हैं, तो अब तो ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या अक्षय कुमार इतनी बड़ी फिल्म को टक्कर दे पाएंगे या नहीं। तो आपका क्या कहना है इन दोनों फिल्मों की टक्कर को लेकर, वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।